अम्मी ने मेरी मंगनी तोड़ दी है, फौरन अपने घर वालों को लेकर आओ। अच्छा तुम जानू फिक्र नहीं करो, मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ। लो तो तुमने अभी अपने घर वालों से बात ही नहीं की है, जबरदस्त। यार तुम्हारी मंगनी हो गई थी तो मैं क्या बात करता। अच्छा सुनो, कल हम शॉपिंग पर चलें। शॉपिंग? मेरे दिल की बात छीनी है तुमने। तुम्हारा दिल तुम्हारा कब है, वो तो मेरा है। अरे इस दफा शॉपिंग पे ना छोटी मोटी मार्केटों में मत फिराना मुझे, बड़े वाले मॉल चलेंगे। हाँ यार अभी तो इतनी तनख्वाह नहीं है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, जहाँ तुम कहोगी ना वहीं हम चलेंगे। और उसके बाद ना मेरे एक दोस्त के फ्लैट पे भी चलेंगे। दोस्त के फ्लैट पे? ठीक है, मगर मेरी बात कान खोल के सुन लो, कोई चालाकी की है ना अगर तुमने। रानी, सोनिया, रानी खबरदार, जो तुमने घर से कदम भी बाहर निकाला मैं फौरन से पहले शहजाद को बता दूंगी। सोनिया खुदा का वास्ता है, मिन्नत कर रही हूँ, भाई को मत बताना, भाई को मत दिखाना बिल्कुल। रानी तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? इस तरह आवारा लड़कों के साथ बाहर घूमना, दोस्तों के साथ फ्लैट में जाना, जानती हो सबका क्या अंजाम होता है। पता है सोनिया, मुझे पता है, मैं पागल थोड़ी हूँ चली जाऊंगी उसके साथ। समझो बात को। रानी तुम ऐसी गलती करना भी मत प्लीज। नहीं करूंगी, टाइम पास करूंगी यार उसके साथ, सिर्फ पीछे पड़ जाता है, कॉलिंग करता रहता है, तो इसलिए उसको टहलाने के लिए मैं उसको कह देती हूँ ये बस। देखो रानी तुमने शॉपिंग करनी है ना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दिलवाऊंगी, लेकिन प्लीज इस राह पे मत चलो रानी। सच? हाँ रानी सच में। ठीक है अब ये लो रानी अपना फोन रखो, और खुदा के वास्ते गुमराह मत होना। हाँ नहीं करूँगी। तुम्हें तो अब मजा चखाऊंगी मैं सोनिया।